फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए द मौर्या FT क्लासेस को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी मैं कोई नई वीडियो इस चैनल पर डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स द मौर्या FT क्लासेस। आज एक नई टॉपिक मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए TDS एक मीडियम ऑफ कलेक्टिंग टैक्स है, कोई भी एक माध्यम है। गवर्नमेंट के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं इनकम को कलेक्ट करने के लिए, तो उसमें से TDS भी एक गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक सोर्स होता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसके थ्रू अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। और ये अमाउंट जो है पूरे साल भर कलेक्ट किया जाता है ताकि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू सोर्स है उसको स्टेबल बनाया जा सके, उसको स्टेबल रखा जा सके, इसलिए ये कलेक्ट किया जाता है। और सबसे बिगेस्ट एडवांटेज इसका ये है कि जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं उनके लिए भी ये है कि उनका TDS यदि कट जाता है तो उनको ITR कंपल्सरीली फाइल करना पड़ जाता है, क्योंकि उन्हें TDS क्लेम करना होता है। इसलिए यदि वो चोरी करने का भी मन बनाए होते हैं तो नहीं कर पाते हैं। अब TDS देखिए कौन कौन से इनकम पे अप्लीकेबल होता है, तो TDS सैलरी पे, कमी पे, रॉयल्टी पेमेंट पे, ब्रोकरेज पे, या फिर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट है, या फिर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कोई इन्वेस्टमेंट करी है उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस पर भी TDS कटेगा, या आपने कोई लॉटरी से अर्निंग करी हो तो उस पर भी आपका TDS कटेगा, रेंटल इनकम है उस पर TDS कटेगा, प्रोफेशनल फीस एटसेट्रा, बहुत सारे इनकम्स हैं जिसपे कि TDS कटता है। यदि कोई भी रिसीवर उस इनकम का कोई रिसीवर हो और उस वो इनकम उस रिसीवर्स के हैंड में यदि टैक्सेबल हो तो उस पर TDS जरूर से कटता है। मैं इस वीडियो में बेसिकली TDS ऑन सैलरी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो TDS बेसिकली देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इसको मैनेज करता है, समय समय पे सर्कुलर लाता रहता है, चेंजेस लाता रहता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का एक पार्ट होता है, जिसको कि IRS मैनेज करता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को मैनेज करता है, और CBDT उसका पार्ट होता है। CBDT समय समय पर TDS से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस लाते रहते हैं और उसका मैनेजमेंट भी वही करते हैं। अब TDS कब डिडक्ट होता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम किस टाइप की इनकम है। तो फ्रेंड्स जनरली TDS का जो डिडक्शन का टाइम होता है कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द अकाउंट ऑफ पे, यानी कि लेट से दैट कि March 31st को कुछ ऐसे पेमेंट होते हैं जिसको कि जो कि अभी हुए नहीं है लेकिन कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस पेमेंट को ड्यू करके और जो क्रेडिटर है उसको क्रेडिट कर दिया जाता है, तो उस टाइम पे यदि क्रेडिट करते समय, ठीक है, और या तो फिर एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्ली, दोनों में से जो सबसे कम होता है उसी डेट पे TDS डिडक्ट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओनली इफ अमाउंट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर, जो रिसीवर पेमेंट रिसीव कर रहा है उसके हाथ में इनकम टैक्सेबल होना चाहिए तभी उस पर TDS कटेगा, यदि इनकम एग्जेम्प्ट है तो उस पर TDS नहीं कटेगा। अब देखिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सैलरी का इनकम यदि आपको मिल रहा है, या EPF का पेमेंट हो रहा है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले रखी है उसकी मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल रही है, या फिर कंपलसरी एक्विजिशन होती है प्रॉपर्टी की और उस पर आपको कंपनसेशन मिल रहा है, तो इन चारों केसेस में TDS जो डिडक्ट होगा जिस समय आपको पेमेंट किया जाएगा, ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब पेमेंट होगा तभी TDS डिडक्ट होकर के आपको पेमेंट नेट अमाउंट कर दिया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने मेन टॉपिक की तरफ, TDS ऑन सैलरी। हम सैलरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि TDS सैलरी पे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और कैसे TDS डिडक्ट किया जाता है। तो TDS में देखिए सैलरी पे जो TDS डिडक्ट करने के लिए दो पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं, एक डिडक्टर होता है जो कि पेयर होता है, बेसिकली एम्प्लॉयर होता है जो कि TDS डिडक्ट करता है, तो ये एम्प्लॉयर कोई भी पर्सन हो सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। डिडक्टी और पेई कौन है, कोई इम्प्लाई हो सकता है जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो या इस पर्सन के अंडर में काम कर रहा है, और ये इम्प्लॉई रेजिडेंट भी हो सकती है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकती है, तो इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन होना चाहिए, और ट्रांजेक्शन होगा तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन की है कि वो जब भी पेमेंट करेगा इम्प्लॉय को तो अंडर सेक्शन 192 के तहत TDS काट करके ही वो पेमेंट करेगा। अब TDS किस रेट से डिडक्ट होता होगा अंडर सेक्शन 192 में, तो जो इनकम टैक्स स्लैब रेट अप्लीकेबल है
वही सिलेबरेट एप्लीकेबल होगा, उसी के बेसिस पे टीडीएस कैलकुलेट होता है और गवर्नमेंट को पेमेंट किया जाता है। अब देखिए जो इम्प्लॉयर है ना, वो किस तरीके से टीडीएस कैलकुलेट करता है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इम्प्लॉय को एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर यानी 1 अप्रैल को इम्प्लॉय को अपने सारे इनकम के जो भी डिटेल्स हैं उसको सबमिट करना चाहिए। इनकम के स्रोत तो जनरली इम्प्लॉयर के पास होता ही है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं या फिर कुछ डिडक्शंस वगैरह हैं तो उसका डिटेल्स इम्प्लॉयर को सबमिट करना पड़ेगा, तभी वो एक्चुअल में फिगर वो कैलकुलेट कर पाएगा। अब देखिए किस तरीके से कैलकुलेट होता है, तो सबसे पहले तो ग्रॉस मंथली सैलरी लिया जाता है, जिसमें कि बेसिक सैलरी अलाउंसेस और परक्विजिट को जोड़ करके ग्रॉस मंथली सैलरी निकाली जाती है। फिर उसमें से जो एग्जेम्पशंस होते हैं यानी अलाउंसेस जो एम्प्लॉयर आपको पे कर रहा है, उस अलाउंसेस में जो जो एग्जेम्पशन आपको मिल रहे हैं, चारे का एग्जेम्पशन, ट्रेवलिंग अलाउंस का एग्जेम्पशन, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस का एग्जेम्पशन या मेडिकल अलाउंस, तो जो भी एग्जेम्पशन आपको मिल रहे हैं या कोई परक्विजिट्स आपको एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड करी है, जैसे रेंट फ्री, फर्निश्ड एकोमोडेशन दिया है, कार दिया है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेट्रा, तो इस पे यदि कोई एग्जेम्पशन है तो वो एग्जेम्पशन इसमें से माइनस हो जाएगा। माइनस करने के बाद आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16(1)(a), वो डिडक्शन 50,000 रुपये तक का होता है, और वो 50,000 रुपये का डिडक्शन आप माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा 1 महीने का, अब उसमें आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद जब टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी आने के बाद आपको कोई अदर सोर्सेस से यदि इनकम है तो उसको आपको ऐड करना है, ये हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो या प्रॉफिट एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम हो या कैपिटल गेंस से इनकम हो या अदर सोर्सेस से इनकम हो, ये सारे इनकम आपको सैलरी में ऐड कर देने हैं। ऐड करने के बाद आपका ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे आ जाएगा। इसमें से कोई इन्वेस्टमेंट यदि आपने अंडर चैप्टर 6(a) में कर रखी है इन्वेस्टमेंट, जैसे कि कोई इन्वेस्टमेंट अंडर अंडर सेक्शन 80C में आपने की हुई हो, जैसे आपने PPF में इन्वेस्ट किया हो, LIC प्रीमियम आप पे कर रहे हो, ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हो, या होम लोन का रीपेमेंट कर रहे हो, NSE नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट हो, या सुकन्या समृद्धि अकाउंट में हो, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम जो कि 5 साल के लिए आपने ले रखा है, तो इन सारे इन्वेस्टमेंट को मिला करके 1,50,000 तक का छूट आपको 80C में मिलता है। ये छूट आप यहाँ से डिडक्ट कर देंगे। डिडक्ट करने के बाद आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगा, और यही टैक्सेबल इनकम पे आप क्या करोगे, जो भी टैक्स स्लेब अप्लाई है इस समय वो आप अप्लाई कर दोगे। अप्लाई करने के बाद आपका TDS का अमाउंट आपका कैलकुलेट होकर के चला आएगा। सो फ्रेंड्स, सैलरी पे TDS किस तरीके से कटता है हम इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें आप अज्यूम करिए कि ग्रॉस ग्रॉस टोटल इनकम 7,70,000 है। इस 7,70,000 में बेसिक सैलरी 6 लाख रुपये जुड़ी हुई है, हाउस रेंट अलाउंस 1,20,000 रुपये जुड़ा हुआ है, ट्रेवलिंग अलाउंस 10,000 है, मेडिकल अलाउंस 15,000 है, और चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस जो कि 2 बच्चों का है 12,000 रुपये जुड़ा हुआ है, और अदर अलाउंसेस जो कि 13,000 रुपये के हैं वो जुड़े हुए हैं। और असेसी अपने खुद के घर में रह रहा है और उसका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 30,000 रुपये है। तो मंथ ग्रॉस मंथली सैलरी में जब इन सारे आइटम्स को हम जोड़ देते हैं तो हमारा 7,70,000 आ जाता है। तो ऊपर का जो फार्मूला हम लोग का है कि ग्रॉस मंथली सैलरी में हमें क्या घटाना है, एग्जेम्पशंस घटाने हैं। तो इसमें ट्रेवलिंग अलाउंस का 10,000 रुपये एग्जेम्पशन मिल रहा है, और चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस में 100 पर चाइल्ड पर मंथ का डिडक्शन मिलता है, तो 2 चाइल्ड का 2,400 रुपये हो गया साल भर का, और अदर अदर अलाउंसेस में 3,000 का मिला। टोटल आपका एग्जेम्पशन 15,400 बना। इसमें इसको माइनस करने के बाद 7,54,600 फिगर आई। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शंस आपको अंडर सेक्शन 16(1)(a) में मिलता है 50,000 रुपये का, उसको माइनस कर दिया तो आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई 7,04,600। इसके बाद लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को ऐड करना है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो भी अदर सोर्सेज से इनकम है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी, PGPP, कैपिटल गेन, इसे आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे आप जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे लॉस है 30,000 रुपये, तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद आपको डिडक्शन अंडर अंडर चैप्टर 6(a) माइनस करना है, जिसमें कि आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80D और 80E बहुत सारे डिडक्शंस हैं। तो हम इस एग्जाम्पल में 80C के डिडक्शंस लिए हुए हैं। हम ये सपोज किए हैं, अज्यूम किए हैं कि एम्प्लॉई अंडर सेक्शन 80C में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे LIC, PPF,
टाइम डिपॉजिट इक्विटी लिंक्ड इस स्कीम में पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो इस डिडक्शंस को हम माइनस कर देंगे तो हमारा 5,54,600 ये टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। और इस टैक्सेबल इनकम पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो टैक्स हमेशा जो भी स्लैब रेट अप्लीकेबल है इंडिविजुअल्स के ऊपर वो स्लैब रेट अप्लीकेबल हो जाएगा। तो उसके बाद टैक्स अप टू 5 लाख रुपीज़ तो 12,500 आता है, इसके बाद रिमेनिंग 54,600 का 20% निकाल लेंगे तो 10,920 आएगा। टोटल TDS ऑन सैलरी 23,420 प्लस हायर एजुकेशन से 4% लगता है 937 रुपये। तो आपका मंथली TDS आपको कैलकुलेट करना होगा क्योंकि मंथली ही आपको डिडक्ट करनी है। तो दोनों फिगर को जब आप ऐड कर देंगे 24,357 उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 2,029 रुपये ये पर मंथ TDS इंप्लॉय के सैलरी से पर मंथ डिडक्ट होता चला जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए कि आपका साल भर आपका TDS कटा है और आपने ITR अपनी फाइल करी, तो फाइल करते समय जब आपने कंप्यूटेशन किया तो उसमें क्या हो गया कि इन केस एन इंडिविजुअल हैज़ पेड अ सरप्लस अमाउंट एज कम्पेयर टू द लायबल टैक्स अमाउंट, आपने जो ITR प्रिपेयर कर रखा है उसमें जो आपका टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो आपके सरप्लस अमाउंट से कम है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यदि कम होगा तो आपको रिफंड मिल जाएगा और यदि एक्सेस आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेई कैन फाइल अ क्लेम ऑफ रिफंड ऑफ द एक्सेस अमाउंट, ठीक है, यदि कम होगा आपकी लायबिलिटी आपके सरप्लस अमाउंट से कम होगी तो रिफंड मिलेगा, और यदि सरप्लस अमाउंट से आपका टैक्स लायबिलिटी यदि कम होता है तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल ITR आपको फाइल कर देनी है क्योंकि आपने ऑलरेडी सरप्लस टैक्स पे कर रखा है। इसके बाद एम्प्लॉयर शैल नॉट कंसीडर एनी लॉस एक्सेप्ट लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अब देखिए कोई भी लॉस यदि होता है तो केवल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो लॉस हो रहा है उसको छोड़ करके कोई भी लॉस यहाँ पर एडजस्ट नहीं होगा। अब हम ITR किस तरीके से फाइल करते हैं उसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, पोर्टल पे चलते हैं ITR इनकम टैक्स के पोर्टल पे और वहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। इनकम टैक्स के पोर्टल पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम जिसमें कि बिजनेस प्रोफेशन का इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज बैंक इंटरेस्ट, ये सारे इनकम इसमें जुड़े रहते हैं। फ्रेंड्स मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि आपको सैलरी का ITR किस तरीके से फाइल करना है, यहाँ बस मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी जो कि ITR फाइल करते समय यदि कम आती है और आपने TDS ज़्यादा पे कर दिया तो आप किस तरीके से रिफंड ले सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स जैसे इसमें ग्रॉस टोटल इनकम है 6,74,745 रुपये है, हम सभी जानते हैं कि हर एक एम्प्लॉय को अपना टोटल इन्वेस्टमेंट साल के शुरू में अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना चाहिए, और यदि कोई भी एम्प्लॉय को किसी और सोर्सेज से इनकम है जैसे कैपिटल गेन हो गया या हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो गया तो उसे सबमिट करना चाहिए। हमारे केस में क्या हुआ कि जो एम्प्लॉय है उसने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो अमाउंट था 30,000 रुपये उसने उसको सबमिट नहीं करा, तो साल के अंत में जब उसने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखाई तो उसका टोटल ग्रॉस टोटल इनकम 6,74,745 रुपये आ गया और टैक्स का डिडक्शन 1,20,000 रुपये है, वो भी उसने एम्प्लॉयर को अपने सबमिट कर रखा था तो 1,20,000 यहाँ पे आ गया। अब उसका जो नेट इनकम बचा, नेट टैक्सेबल इनकम, उस पर जो टैक्स लायबिलिटी बन के आ रही है वो 24,388 रुपये आ रही है, लेकिन उसने TDS के माध्यम से जो टैक्स का पेमेंट कर रखा है वो 43,420 रुपये है, यानी जो हर महीने उसके सैलरी से TDS डिडक्ट हो रहा था वो TDS मिला करके साल भर में 43,420 रुपये का पेमेंट हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमारा जब ITR फाइल करते समय जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो 24,388 आ रही है, इसका मतलब कि हमारी टैक्स लायबिलिटी कम आ गई क्योंकि हमारा इनकम कम हो गया, और इनकम कम कैसे हुआ, हमारी जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी इस लॉस में वो हमने एडजस्ट करा दी। तो ITR फाइल करते समय यदि आपकी कोई भी इनकम छूट जाती है तो उसको उस समय जब आप इंटर करते हैं तो आपका टोटल इनकम कम हो जाता है, जब टोटल इनकम कम होगा तो आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो अब इस केस में क्या हुआ, आपने सरप्लस अमाउंट पे कर दिया और यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी कम आ गई, तो दोनों में क्या जो डिफरेंस होगा वो आपको क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था फ्रेंड्स कि यदि आपका सरप्लस अमाउंट ज़्यादा है, टैक्स आपने ज़्यादा पे कर दिया और बाद में आपने कोई आइटम्स दिखा दी तो उसके चलते आपकी टैक्स लायबिलिटी यदि कम आ रही तो आपको रिफंड मिल जाएगा, और इनकेस आपने कोई आइटम्स कोई इनकम जोड़ दी जिसकी वजह से कि आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बन गई तो अब आपको पेमेंट करना पड़ेगा।
ठीक है, और यदि इक्वल है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम करना है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिए।